उपमंडल मुख्यालय संगड़ा में उद्योग विभाग द्वारा क्षेत्र के किसानों के लिए एक दिवसीय फूड प्रोसेसिंग जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में एसडीएम संगड़ा डॉक्टर विक्रम नेगी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे तथा उद्यान व कृषि विभाग के खंड स्तर के अधिकारी भी बतौर मूल सत्रोत व्यक्ति मौजूद रहे। जिला उद्योग केंद्र नाहन के महाप्रबंधक ज्ञान चौहान द्वारा इस दौरान मौजूद किसानों को मुख्यमंत्री संभावलवन योजना, स्टेट मशीन ऑन फूड प्रोसेसिंग कार्यक्रम तथा उद्योग विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गयी। जीएम इंडस्ट्री ने इस दौरान किसान उत्पादक संगड़ा से यहां कोल्ड स्टोरेज यूनिट लगाए जाने पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लहसुन, अदरक, आलू व टमाटर आदि मसाला फसलों का काफी मात्रा में उत्पादन होता है। उक्त फसलों के प्रोसेसिंग होने की सूरत में क्षेत्र के किसानों की आमदनी दोगुना बढ़ सकती है। उन्होंने मौजूद किसानों से क्षेत्र में सैकड़ों हेक्टेयर व मौजूद बिराज के फूलों से जूस, जैम व चटनी जैसे रोडो प्रोडक्ट तैयार किए जाने को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में यहां कोल्ड स्टोरेज इकाई स्थापित किए जाने की संभावना है। शिविर में 200 के करीब किसान परिवारों के सदस्यों में से ज्यादातर संख्या महिलाओं की रही। इस दौरान उद्यान विभाग के HORT शर्मा तथा कृषि विभाग के SMS अनूप कतना आदि ने भी सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही विभिन्न विषयों पर जानकारी दी। शिविर में मौजूद लोगों ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों की आमदनी बढ़ाए जाने पर भी अपने सुझाव रखे। मंडल में उद्योग विभाग के द्वारा एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश फूड प्रोसेसिंग मिशन पर चर्चा हुई। तो ये बहुत ही बहुत ही लोग यहाँ पर बहुत दूर दूर से आए, किसान से जो हमारे उत्पादक है वो आए और बहुत ही अच्छी चर्चा रही। और मैं विश्वास करता हूँ कि इससे बहुत फायदा होगा और जो हमारा संगड़ा क्षेत्र है इसमें बहुत प्रोग्रेस करेगा। इनके ऊपर आज यहाँ संगड़ा ब्लॉक के अंदर हमने ये जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया उद्योग विभाग की ओर से, और मुझे बड़ी खुशी है कि इस प्रोग्राम के अंदर 80% जो है तादाद वो महिलाओं की थी और खूब बढ़ चढ़ कर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। और इसमें हमने यहाँ पर संगड़ा के अंदर चूँकि लहसुन की बहुत पैदावार होती है, आलू की बहुत पैदावार होती है, टमाटर भी काफ़ी होता है, बाकी सब्जियाँ भी काफ़ी होती है, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक कोल्ड स्टोरेज यूनिट लगने का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हमने इसके बारे में इसको थोड़ा एक्सप्लोर किया, यहाँ पर जो FPO बना है, किसान उत्पादक संघ बना है, उनके साथ भी इसे चर्चा हुई और इन इस स्कीम के बारे में और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के साथ साथ अन्य स्कीमों के बारे में भी हमने विभाग की जो स्कीमें हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दी।